अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप यूनिवर्सिटी एडमिशन डील के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की स्टूडियो में आपके साथ जो ना रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मतलब सभी कैंपसेज में एडमिशन ओपन हुए हैं, लेकिन वो सेपरेटली जो ना एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो ना शेयर करते हैं, तो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस का ही एडमिशन के वाले से शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो ना इंशाल्लाह लाहौर के वाले से जो ना शेयर करेंगे कि लाहौर में भी जो ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और फिर जो ना एक वीडियो मैं आपके साथ ऐसी भी शेयर करूँगा कि जिसमें जो ना मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप जो ना प्रोसीजर बताऊँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो ना सिर्फ हम जो है ना प्रोग्राम, मतलब कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, वो जो ना सारा शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिसके जो ना एडमिशंस रिफा मेन पेज है, ठीक है, एडमिशंस ओपन है, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है, 30 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ से जो ना आप एडमिशंस के वाले से देख सकते हैं, बीएस वगैरह के, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस मैथमेटिक्स 14 ईयर एजुकेशन, बीएस फिजिक्स फिजिक्स, और उसके बाद एमफिल मैथमेटिक्स फिजिक्स और पीएचडी मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडी इंग्लिश मेल और फीमेल, ठीक है, एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और इस्लामिक स्टडी, ठीक है, और पीएचडी इस्लामिक स्टडी, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी फीमेल और एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी टॉप अप फीमेल, और जो है ना फैमिली इनटू 21 सेंचुरी ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है ना फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, बीएस कंप्यूटिंग आर्ट कंप्यूटिंग साइंस मेल और फीमेल, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए है। डाटा साइंस बीएस डाटा साइंस, एमएस डाटा साइंस, एमएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पीएचडी कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद बीकॉम बीबीए, ठीक है, 12 ईयर बीबीए, 14 ईयर बीएस प्रोजेक्ट एंड सप्लाई चेन में, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएस बिजनेस एनालिटिकल, बीएस एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए 1.5 एंड 2 ईयर प्रोग्राम, एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एमएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एमएस मैनेजमेंट साइंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिकल, पीएचडी मैनेजमेंट साइंस। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो इसके बाद जो इंटरनेशनल जो इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है, सर्टिफिकेट इन डेंटल एनालिसिस, उसके बाद जो है एमडीएस ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट, एमफिल डेंटल मटेरियल और बीडीएस बीडीएस फॉरन, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा वगैरह के डिफरेंट प्रोग्राम है, एमफिल फार्माकोलॉजी एंड एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल पैथोलॉजी, ह्यूमोलॉजी वगैरह के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है, एमफिल और पीएचडी वगैरह के जो है ना साइकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, केमिकल साइकोलॉजी वगैरह, बायोकेमिस्ट्री, एमबीबीएस, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस फॉरन, ठीक है। उसके बाद जो है रिफा वगैरह के जो है डिफरेंट इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, बीएस नर्सिंग में भी एडमिशन ओपन है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड अप्लाइड हेल्थ साइंस, ठीक है, बीएस एमएलटी वगैरह, ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएस स्पीच वगैरह, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी मेल और फीमेल, बीएस ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थो ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोटिक्स, उसके बाद मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी सीपीटी, ठीक है, एनएमपीटी, ठीक है, वगैरह के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है, स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी, वुमेन हेल्थ, उसके बाद जो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, उसके बाद मेडिकल लैब वगैरह के, न्यूरो मॉलिकुलर पेन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है। उसके बाद जो है रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बीएस फिल्म प्रोडक्शन, उसके बाद मास कम्युनिकेशन 14 ईयर, ठीक है, मास मीडिया वगैरह, ठीक है, डिज़ाइन मीडिया साइंस, क्रिएटिव आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी, उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, एमफिल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, एमफिल फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी पीएचडी वगैरह के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, बीएस हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, और वार्ड हॉस्पिटलिटी प्रैक्टिस, तो यहाँ पे डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, जिनकी जो ना लिस्ट आप देख सकते हैं, 23 जो ना 30 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। इसमें जो ना फीस स्ट्रक्चर का आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इसका जो ना फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, 1,52,000, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ से डिप्लोमा वगैरह का जो ना आप यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद मेडिकल साइंस वगैरह का, ठीक है, 1 लाख से अबव ही फ़ी होगी, ठीक है, मतलब 1,50,000 के राउंड बोर्ड जो ना फ़ी होगी। तो डेंटल साइंस का भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, 2,09,000। उसके बाद सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे एमफिल और एमडीएस, उसके बाद रिफा नर्सिंग का जो इसमें जो नर्सिंग का जो फीस स्ट्रक्चर है, बीएस इन नर्सिंग 1,88,000, ठीक है, पोस्ट नर्स आरएन 164 और डिप्लोमा जो है ना वो 1 लाख, ठीक है। ऐसे जो ना मीडिया साइंस वगैरह का देख सकते हैं, ठीक है, 50,000 और 1,54,000 पीएचडी, ठीक है। तो यहाँ से जो ना पब्लिक पॉलिसी
पब्लिक पॉलिसी का चेक कर सकते हैं आप, 68,000। ठीक है, बीएससी इन पॉलिटिकल साइंस 72, इंटरनेशनल रिलेशन और 1,50,000 एमफिल। ठीक है, ऐसे जो ना आप मैनेजमेंट साइंस का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं उसका जो ना आप यहाँ से इजीली जो ना फीस स्ट्रक्चर खुद ही जो ना इनकी वेबसाइट से जो ना देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही जो ना आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट जो ना आपने अकाउंट क्रिएट करना है सबसे पहले। जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताता रहा हूँ कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो पहले अकाउंट क्रिएट किया करो। यहाँ पे अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, कोई यहाँ पे जो ना कोई सा भी जो ना स्ट्रांग सा पासवर्ड जो ना आप अपनी मर्जी से जो ना एंटर कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड ही टाइप और साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बैक यहाँ पे जो ना यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड वही जो ना यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते वक्त आपने लॉगिन किया था और फिर यहाँ पे लॉगिन पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल वगैरह सभी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपकी जो ना एट द एंड जो ना आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसमें जो ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के वाले से मैं इंशाल्लाह एक दो दिन तक वीडियो जल्द शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आप उसको देख के भी जो ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल हाफिज़।